हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मई 3rd एंड 4th वीक टिल 31st मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। इस वीक में बहुत सारे इवेंट्स एंड अवार्ड्स दिए गए हैं, सो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बने हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स से याद करेंगे, जो बहुत हेल्प करेगा आपको करंट अफेयर्स याद रखने में। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले COEK का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होगा? India's first COEK will be inaugurated in which state UT? So the correct answer is option A, New Delhi. So New Delhi में establish किया जाएगा first खादी center of excellence. आप किसके बात हो रही है यहाँ पे? खादी की। सो खादी को और बढ़ावा देने के लिए, यानी कि खादी के जो जितने भी संस्थान हैं इंडिया में, उसको और सशक्त बनाने के लिए और उसमें इनोवेशन करने के लिए, नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सेंटर इनोग्रेट किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ओके, और इसका गोल क्या है कि इंडिया की जो खादी है उसको वर्ल्ड वाइड फेमस करना और इसकी एक वैल्यू बनाना, इसका एक ब्रांड वैल्यू बनाना। ओके, सो अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस द्वारा इसे इनोग्रेट किया जाएगा न्यू दिल्ली में। सो इस टाइम इसके मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि खादी का सेंटर खोला जाएगा दिल्ली में, सो जहां पर खादी की न्यू वेराइटीज़ को प्रमोट किया जा सके। ओके, सो दिल्ली में बहुत ज़्यादा न्यू कपड़े आते हैं और वहां का कल्चर भी कैसा है? वेस्टर्न कल्चर है। सो खादी की न्यू वेराइटीज़ को प्रमोट किया जा सके, इसलिए कहां पे इनोग्रेट किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। सो नई यानी कि न्यू दिल्ली। सो आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2022? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग हेल्थ एंड रिस्पेक्ट, राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अब बात हो रही है यहाँ पे नर्सेज डे की, तो नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो अब हमें ध्यान रखना है इसकी थीम। सो नर्स बनने के लिए ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप किसी की हेल्थ सिक्योर कर पाओगे, है ना। तो नर्स बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप किसी की हेल्थ को सिक्योर कर पाओगे। तो बस इसकी थीम क्या हो जाएगी? नर्सरी, वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट, राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है? फ्लोरेंस नाइटिंगल की। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया बन गया है फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन कर लिया है नाटो को। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नाटो की। सो नाटो क्या है? नाटो एक उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है, जिसका मेन एम क्या है कि राजनीतिक और सैन्य तरीकों से जो भी इसकी सदस्यता पाने वाली कंट्रीज हैं उसको ये सुरक्षा प्रदान करे। ओके, अब नाटो की बात हो रही है, तो नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो फिर से अपॉइंट किए गए हैं। अब किसकी बात हो रही है? फर्स्ट एशियन कंट्री। ओके, और नाटो की, तो नाटो क्या कह रहा है ना सारे कंट्रीज की, कि सारे कंट्रीज मेरे साथ में आ जाओ, वरना एक दूसरे पे अटैक करते रहोगे, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा, अब फिर बस कोरा कागज हासिल होगा, है ना। तो एक दूसरे पे कंट्रीज क्यों अटैक करिए? ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर सकें, है ना। जैसे यूक्रेन और रशिया का टाइम बहुत ज्यादा विनाशकारी माहौल चल रहा है। ओके, सो नाटो क्या कह रहा है? सब मेरे साथ में आ जाओ, वरना कुछ भी हासिल नहीं लगेगा, सिर्फ कोरा कागज लगेगा। तो सब साथ यानी कि साउथ, और कोरा यानी कि कोरिया। ओके, सो साउथ कोरिया बन गया है फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन करा है नाटो को। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, टोमेटो फ्लू जो समाचारों में देखा गया है किस राज्य के लिए स्थानिक है? टोमेटो फ्लू विच इज सीन इन द न्यूज इज एंडेमिक टू विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केरला। ओके, सो केरला में सबसे पहले टोमेटो फ्लू के लक्षण देखे गए हैं, केसेस देखे गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है टोमेटो फ्लू का पहला केस कहाँ पे मिला है? केरला में मिला है। अब टोमेटो क्या है ना? टोमेटो भी एक सब्जी है। ओके, सो जिस स्टेट में भी मिला है ना, वो भी कुछ सब्जी से मिलती जुलती है, तो सब्जी से मिलती जुलती, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेला यानी कि केरला। ओके, सो फ्यू पार्ट्स ऑफ केरला जहाँ पे टोमेटो फ्लू यानी कि एक न्यू वायरस टोमेटो फ्लू की तरह देखने को मिला है, जहाँ पे हाथ में टोमेटो जैसे निशान हो जा रहे हैं। अब जैसे टोमेटो ऐसे होते हैं ना, तो इसी तरीके से हाथ में उभरे हुए निशान बन जा रहे हैं। और इसकी मेन बात यह है कि जितने बच्चे 5 साल से नीचे के हैं उन्हीं के अंदर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब बात हो रही है केरला की, तो केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, किस देश को 2022 और 2024 के लिए AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AAEA फॉर 2022-2024? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। ओके, सो इंडिया को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ओके, अब
इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। अब प्रेजेंट में हेड कौन है? मनीला इसका प्रेजेंट में हेड है, लेकिन अब कौन बन जाएगा 2022 और 2024 के लिए? इंडिया बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, हमें कैसे ध्यान रखना है इलेक्शन से, सो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। ओके, सो अब इंडिया को इसलिए चुना गया ना कि जिस एशियन कंट्री में इलेक्शन बिल्कुल टाइमली हो जाते हैं एंड रिजल्ट भी टाइमली आ जाता है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ओके, सो इलेक्शन का उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। सो किस कंट्री को चुन लिया? फिर इंडिया को चुन लिया, क्योंकि इंडिया में फट से इलेक्शन भी हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाते हैं, भले किसी और का रिजल्ट आए ना आए। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडिया हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज, परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल? सो द करेक्ट आंसर इज, ऑप्शन इज मनोज पांडे। इस टाइम मनोज पांडे प्रेजेंट हेड है आर्मी चीफ के। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? परम विशिष्ट से। सो अब विशिष्ट से क्या समझ में आ रहा है? विशिष्ट यानी कि विश। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे ना तो कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे विश की तरह काम करती है। ओके, सो कैसे ध्यान रखना है हमें? रोज रोज अगर आप पान खाओगे, सो रोज रोज अगर आप पान खाओगे ना तो विश की तरह बॉडी में काम करने लगी। तो रोज यानी कि मनोज और पान, सो मनोज पांडे। ओके, सो मनोज पांडे को अवार्ड दिया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज, इस्तानबुल तुर्की में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी का कौन सा संस्करण हुआ है? विच एडिशन ऑफ आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग इज हेल्ड इन इस्तानबुल तुर्की? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 12th। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग। सो इंटरनेशनली अगर किसी वुमेन ने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, है ना? तो बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और वो भी इंस्टेंट जाना पड़ेगा। ओके, तो बाहर यानी कि 12। सो कौन सा संस्करण हुआ है? 12वां संस्करण हुआ है कहाँ पे? इंस्टेंट यानी कि इस्तांबुल तुर्की में। ओके, जिसमें भारत की निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना नाम बनाया है। ओके, सो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? निखत जरीन की। तो निखत जरीन ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 3 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है। और 2 ब्रॉन्ज किसने जीता है? मनीषा मौन और परवीन हुडा ने 2 मेडल इसमें ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग में, जिसमें तुर्की है फर्स्ट पोजीशन पे विद 7 मेडल और इंडिया है फोर्थ पोजीशन पे विद 3 मेडल। ओके, अब निखत जरीन ने जब गोल्ड जीता होगा तो इनके चर्चे हो गए होंगे, है ना? तो इनके चर्चे हुए, अभी तक इनके चर्चे हो रहे, तो चर्चे यानी कि 4। सो इंडिया को इन्होंने टोटल कौन सी पोजीशन दिलवाई? 4 पोजीशन दिलवाई। ओके, कितने मेडल के साथ? 3 मेडल के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, लुईस वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुईस वुइटन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। अब दीपिका पादुकोण को बनाया गया है फर्स्ट इंडियन टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुईस वुइटन। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? लुईस वुइटन। तो लुईस क्या समझ में आ रहा है? लुई यानी कि लव, तो लूव लव। ओके, तो लव किस चीज को देख के? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे ना तो लव किसको देख के आता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहाड़ों को देख के, है ना? तो पहाड़ों यानी कि माउंटेन्स को देख के प्यार आता है, तो पहाड़ों यानी कि पादू, सो दीपिका पादुकोण। ओके, सो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है फर्स्ट इंडियन टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुईस वुइटन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 इज, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए कौन सी कंपनी ने एप्पल इंक को पीछे छोड़ दिया है? विच कंट्री डिफीटेड एप्पल इंक टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सऊदी अरमाको। ओके, सो सऊदी अरमाको ने पीछे छोड़ दिया है एप्पल इंक को। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एप्पल इंक की। ओके, सो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन बना होगा ना? जो बिल्कुल आराम से पैसे कमा रही है और उसकी वैल्यू भी बहुत है, जो आराम से पैसे कमा रही है, तो आराम यानी कि सऊदी अरमाको। ओके, क्योंकि जिसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, वही वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनेगा। ओके, सो ये तेल की एक दिग्गज कंपनी है सऊदी अरमाको, जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसने एप्पल इंक को पीछे छोड़ दिया है। और टोटल इसका कितना पूंजीकरण हुआ है? $2.43 trillion का। और आईफोन यानी कि एप्पल का कितना हुआ है? $2.37 trillion का। ओके, सो इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ठीक है, तो सबसे आराम से पैसे किसने कमाए? सऊदी अरमाको, आराम अरमाको। ओके, सो सऊदी अरमाको बन गया है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अब बात हो रही है सऊदी अरमाको की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दहरन, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरमाको की सीईओ कौन है? एमिन एच नसीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, पीएम वाणी योजना का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय पीएम वाणी योजना? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसएस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है?
कि पीएम का ये वाईफाई है जिससे सब लोग एक्सेस कर सके इस नेटवर्क को, एंड वाईफाई भी दिया पीएम ने ताकि सबके पास नेटवर्क पहुंच जाए एंड ये सबका फेस भी देख सके ताकि जब कुछ गड़बड़ हो ना तो सबको पकड़ सके। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने वाईफाई एक्सेस दिया है ना, वाईफाई का नेटवर्क दिया ताकि सबके पास वाईफाई पहुंच जाए और ये सबका फेस देख पाए अगर कुछ गड़बड़ हो तो। तो बस थीम क्या हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। ओके, सो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ स्कीम कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस टू इम्प्रूव वायरलेस कनेक्टिविटी। ओके, सो वायरलेस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। यह योजना आवासीय क्षेत्र में एक व्यक्ति से लेकर किराना दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और वाईफाई सेवाएं देने की अनुमति देगा। और इसका मेन एम क्या होगा कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना। ओके, सो वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम वाणी वाईफाई। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज कैंपबेल विल्सन। ओके, सो कैंपबेल विल्सन को अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एयर इंडिया की। सो इंडिया में ऐसी एयर बहती है ना कि घर का अंदर का बैल भी बजने लगता है ना, तो एयर चली और बैल बजी, तो बैल यानी कि कैंपबेल विल्सन। ओके, 12th क्वेश्चन इज, किस राज्य में चार बुवाई योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट चार शोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा। ओके, अब किसकी बात हो रही है, चारा सोइंग स्कीम या चारा बुवाई योजना जिसे चारा बिजाई योजना भी कहा जा रहा है, और ये कहाँ पे शुरू की गई है, हरियाणा में। ओके, अब जो किसान गौशाला गायों के लिए चारे की आपूर्ति करते हैं उन किसानों को 10,000 प्रति एकड़ या 10 एकड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, चारा सोइंग, तो कैसे ध्यान रखना है कि हरियाणा ने शुरू किया है। तो चारा ना जब खेत में होता है तो कैसा होता है, हरा हरा होता है, तो चारा जब खेत में हरा हरा तो हरा यानी कि हरियाणा। ओके, सो चारा शोइंग स्कीम किसने लॉन्च की है, हरियाणा ने लॉन्च की है। ओके, अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ओके, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कवर किया है सारे सीएम गवर्नर और उनकी कैपिटल। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। ओके, जिससे आप रिलेट करके याद कर पाएंगे कि स्टेट के कौन से गवर्नर और सीएम हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में स्थित मंगहर गांव देश का पहला शहद गांव बना है? इन विच स्टेट मंगहर विलेज बिकम द फर्स्ट हनी विलेज इन द कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का मंगहर विलेज को बना दिया गया है फर्स्ट हनी विलेज कंट्री का। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना कि फर्स्ट हनी विलेज इन द कंट्री, कौन है, मंगहर विलेज। ओके, अब जब भी आप ऑफिस में कहीं पे काम करते हो ना तो बस क्या तेजी रहती है, छुट्टी होते ही बस तेजी रहती है कि जल्दी से घर पहुंच जाए, तो क्या रहती है, तेजी यानी कि हरी में हम रहते हैं कि हम जल्दी से अपने घर पहुंच जाए, तो हरी यानी कि हनी। सो हनी विलेज कौन बन गया है, मंगहर, यानी कि घर जाने की हरी रहती है। सो मंगहर महाराष्ट्र। ओके, सो इसका मेन एम क्या है, अमीर अर्थव्यवस्था को अच्छी करना और वहां के लोगों को रोजगार देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज, 130 मिलियन डॉलर की आय के साथ 2022 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? हु टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2022 विथ एन इनकम ऑफ 150 मिलियन डॉलर? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लियोनल मेसी। अब हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं लियोनल मेसी। ओके, सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट पेड एथलीट। तो हाईएस्ट पेड हम कहाँ पर करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब हम जाएंगे तो हाईएस्ट पेड हम किस पे करते हैं, लॉयन पे करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा खर्चा ना लॉयन पे करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि लॉयन की रख रखाव में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, डेली उसको नॉनवेज फूड चाहिए खिलाने के लिए, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, हाईएस्ट पेड किस पे करेंगे, लॉयन पे। सो लियोनल मेसी। ओके, सो टॉप 10 रिचेस्ट अर्नर्स को लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पोजिशन पर है लियोनल मेसी एंड थर्ड पोजिशन पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद 115 मिलियन डॉलर के साथ। ओके, और किसी भी इंडियन एथलीट का इसमें नाम निशान भी नहीं है, सो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पे कौन है, लियोनल मेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु टेक्स ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मनिक साहा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के न्यू सीएम कौन बन गए हैं, मनिक साहा। तो यहाँ क्या लिखा है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा से क्या समझ में आ रहा है, ट्री, और ट्री के लिए एक फेमस डायलॉग क्या होता है, हाँ हाँ पैसे तो ट्री पे उग रहे हैं ना, तो मनी तो ट्री पे उग रहा है, तो मनी यानी कि मानिक साहा। ओके, सो मानिक साहा हो जाएंगे न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। अब बात हो रही है यहाँ पे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला, और इसके गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या। ओके,
सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज, किस देश ने 2022 थॉमस कप का खिताब जीता है? विच कंट्री हैज वॉन 2022 थॉमस कप टाइटल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया। ओके, सो इंडिया ने पहली बार थॉमस कप को जीता है और किसे हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। ओके, सो इंडोनेशिया लगातार इसकी विनर रही है और 14 बार विजेता इंडोनेशिया को इंडिया ने हरा दिया और 2022 का थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। सो थॉमस कप का टाइटल किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अभी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि थॉमस कप और ऊबर कप दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। ओके, सो थॉमस कप का टाइटल पहली बार इंडिया ने जीता है 2022 का। सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, वर्ष 2022-23 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of CII for the year 2022-2023? So the correct answer is option A, Sanjeev Bajaj. अब ये CII है क्या? So Confederation of Indian Industry, इसके president appoint किया गया है संजीव बजाज को for the year 2022 and 2023। okay, अब हमें कैसे इसे ध्यान रखना है? यहाँ पे क्या लिखा है? Confederation of Indian Industry, so इंडियन इंडस्ट्री यानी कि कौन सी इंडस्ट्री से हमें रिलेट करना है? मूवी वाली इंडस्ट्री। तो उस मूवी वाली पिक्चर वाली इंडस्ट्री को भी इंडस्ट्री कहते हैं ना। तो जो इंडियन इंडस्ट्री है ना, इसमें गाना बजाना बहुत चलता रहता है। तो गाना बजाना बहुत चलता है, तो बजाना यानी कि बजाज, सो कौन हो जाएंगे? संजीव बजाज। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे CII की। तो CII फाउंड हुआ है 1895 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में और जिसके DG कौन है? चंद्रजीत बैनर्जी। ओके, और इसका मोटो क्या है? चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट। ओके, सो किसे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ CII? संजीव बजाज को, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 इज, फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सूची 2022 में शीर्ष क्रम की भारत की फर्म कौन सी है? विच इज द टॉप रैंक इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022? सो द करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है टॉप रैंक की फर्म इन फोर्ब ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। ओके, तो भारत की कौन सी कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आप लोग को ध्यान रखना है। और जो कंपनी फर्स्ट नंबर पे है उसका नाम है बर्कशायर हैथवे, जो द नंबर वन स्पॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन है? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और थर्ड पोजिशन पे है सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी सऊदी अरमाको। क्वेश्चन नंबर 19 इज, रनिल विक्रम सिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? रनिल विक्रम सिंघे हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीलंका। अब श्रीलंका के रनिल विक्रम सिंघे को अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? श्रीलंका की। तो श्रीलंका, सो अब हमें ध्यान रखना है कि श्रीलंका के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? रनिल विक्रम सिंघे। सो अब श्रीलंका गए थे राम जी अपनी रानी सीता के लिए, बिकॉज वहां पर वो क्या थी? अकेली थी। तो रानी यानी कि रनिल, क्योंकि वहां पे अकेली यानी कि सिंगल, तो विक्रम सिंघे। सो विक्रम सिंघे को अपॉइंट किया गया है श्रीलंका का न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज, ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से हुआ है? फ्रॉम विच प्लेस द रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भोपाल। ओके, सो भोपाल में रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भोपाल की। ओके, सो भोपाल, सो अब ग्रामीण लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। सो टेक्निकल ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए और टेक्निकल में आपको माहिर होना है ना, तो हर पल आपको सीखना पड़ेगा। तो हर पल आपको सीखते सिखाना रहना पड़ेगा। तो पल यानी कि भोपाल। सो भोपाल में इनॉग्रेट किया गया है रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग। ओके, सो अभी इसको सिर्फ 2 मंथ के लिए इनॉग्रेट किया गया है कि कितना ये सक्सेसफुल होता है, उसके बाद ही ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। सो ये 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी शुरुआत में, और बाद में पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके रूरल लोगों को। अब बात हो रही है यहाँ पे भोपाल की, तो भोपाल की गवर्नर कौन है? मंगूभाई चंगाभाई पटेल हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान। क्वेश्चन नंबर 21 इज, श्रेया सिंगला ने ब्राजील में 24वें डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड श्रेया सिंगला विन इन बैडमिंटन एट द 24th डेफ ओलंपिक इन ब्राजील? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोल्ड। ओके, सो श्रेया सिंगला ने गोल्ड मेडल जीता है इन 24th डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ था। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? श्रेया सिंगला। और ये क्या है? डेफ है। तो डेफ लोग कौन होते हैं ना? कि जो पर्सन सही से सुन नहीं पाते। ओके, सो इंडिया की इसमें कौन सी प्लेस है? 9th प्लेस है, और जिसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज है। ओके, सो जितने भी डेफ लोग होते हैं वो सही से सुन नहीं पाते, तो जब इनसे कोई बात की जाएगी ना, तो इनसे कहा जाएगा आपको सुनाई दे रहा है, तो ये क्या इशारा करेंगे? नो नो नो, नहीं। तो नो यानी कि 9। सो इंडिया की प्लेस क्या होगी डेफ ओलंपिक में? 9 होगी। ओके,
जितने भी प्लेयर्स होंगे ना डेफ ओलंपिक को, उनको श्रेय ज़्यादा दिया जाएगा कंपेरिजन टू अदर एथलीट्स या अदर प्लेयर, ओके, क्योंकि ये डेफ हैं तो इसके लिए इनको ज़्यादा श्रेय दिया जाएगा, ओके. तो ज़्यादा श्रेय यानी कि ज़्यादा गोल्ड. सो श्रेया सिंगला ने कौन सा मेडल जीता है, फिर गोल्ड जीता है, ओके. सो इस तरीके से हमें इसे ध्यान रखना है, ओके. सो श्रेया सिंगला ने विन किया है बैडमिंटन में 24 डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल, जो ब्राज़ील में हुआ था, राइट. और अगर हम इसमें मेडल टैली में देखें, सो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है यूक्रेन 138 मेडल्स के साथ, जिसमें इसने 62 गोल्ड, सिल्वर 38 एंड ब्रॉन्ज 38 जीता है. और नाइन्थ पोजीशन पे रहा है इंडिया, जिसमें इसने 17 मेडल्स जीते हैं, ओके. सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, स्काई ब्रिज 721 दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में है. स्काई ब्रिज 721 इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज. सो द करेक्ट आंसर इज चेज रिपब्लिक, ओके. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज. अब सबसे लंबा अगर सस्पेंशन ब्रिज होगा ना, तो जब लोग इस ब्रिज पे जाएंगे तो उनके दिमाग में कई सारे सस्पेक्ट आ जाएंगे, अरे ब्रिज कितना लंबा है, कहीं टूटेगा तो नहीं, है ना. तो इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे किसके माइंड में, पब्लिक के माइंड में. तो पब्लिक यानी कि चेस रिपब्लिक, ओके. सो चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज खोला गया है, ओके. यानी कि लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज. अब बात हो रही है चेस रिपब्लिक की, यानी कि चेक गणराज्य की. सो इसकी कैपिटल क्या है, प्राग, ओके. सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 23 इज, किस भौतिकी वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है. विच फिजिसिस्ट हैज बीन गिवन द टेम्पल्टन प्राइज 2022. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रैंक विलचेग, ओके. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, टेम्पल्टन प्राइज. तो टेम्पल्टन से क्या समझ में आ रहा है हमें, टेम्पल. तो जब भी कोई भी इंसान अगर टेम्पल में जाता है ना, तो भगवान के सामने फ्रैंकली सब कुछ कह देता है, है ना. तो भगवान के सामने कैसा रहता है, फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक विलचेग, ओके. सो फ्रैंक विलचेग को फिजिक्स का प्राइज दिया गया है, फिजिक्स में टेम्पल्टन प्राइज 2022, ओके. क्वेश्चन नंबर 24 इज, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है. वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 17 मई, ओके. सो 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की. सो अगर आप ज़्यादा ही टेंशन लोगे ना, तो किस में आ जाओगे, खतरे में. तो खतरे में यानी कि 17 मई, ओके. सो अगर आपने मैं कंप्लीट मंथ डेज वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत इजी वे में सारे ही डेज याद हो जाएंगे, ओके. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, वेटिकन द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन है. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन कॉमन मैन टू बी डिक्लेयर अ सेंट बाय वेटिकन. सो द करेक्ट आंसर इज देवाश्याम पिल्लई, ओके. सो देवाश्याम पिल्लई को डिक्लेयर किया गया है सेंट बाय वेटिकन. सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, सेंट, ओके. तो जितने भी जो संत लोग होते हैं ना, वो कहाँ पे रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, और आश्रम कहाँ पे होता है, वन में रहता है. तो वेटिकन यानी कि वन, ओके. और वन में क्या होता है, आश्रम. सो कौन हो जाएंगे, देवाश्यम पिल्लयम, ओके. सो संत देवाश्यम पिल्लयम को बनाया गया है इंडिया का फर्स्ट संत बाय वेटिकन द्वारा, ओके. सो ये 18वीं शताब्दी के ईसाई धर्म अपनाने वाले देवाश्यम पिल्लई पोप फ्रांसिसी द्वारा संत घोषित करने वाले पहले आम भारतीय बन गए हैं, ठीक है. और इन्होंने कहा था ना कि मैं आगे चल के एक शांति का नायक हो सकता हूँ, यानी कि अपने देश या अपने आसपास शांति रखने का एक नायक की तरह मैं आगे आऊँगा, और मैं युद्ध को बढ़ावा नहीं दूंगा. तो इन्होंने क्या कहा, शांति के नायक हो सकता हूँ, युद्ध का नहीं, ओके. सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है. विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द COP15 समिट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एबिडजान कोटे डी आइवोर, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है. सो वेस्ट अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ है COP15 समिट. अभी कॉप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है. जिसमें इस बार का टॉपिक क्या था, डेजर्टिफिकेशन. सो डेजर्टिफिकेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, इन सब पे बात की गई है. और जिसमें भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने COP15 में पार्टिसिपेट किया है, ओके. जब COP14 हुआ था, न्यू दिल्ली की तरफ से इसे आयोजित किया गया था. तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि COP15 इस बार कहाँ पे हुआ है, अबिडजान कोटे डी आइवोर, और ये कहाँ पे है, वेस्ट अफ्रीका में है, राइट. क्वेश्चन नंबर 27 इज, CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ CBSE. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निधि चिब्बर. अब निधि चिब्बर को अपॉइंट किया गया है CBSE के न्यू अध्यक्ष, ओके. अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, CBSE, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, CBSE यानी कि सभी, ओके. तो जब आप सभी यानी कि जब आप सारे चैप्टर्स या सारी बुक्स एक साथ पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो उसको देख के बस नींद आने लगेगी. तो नींद यानी कि निधि. सो निधि चिब्बर हो गई हैं CBSE की न्यू अध्यक्ष, या CBSE ने अपॉइंट किया है न्यू चेयरमैन, ओके. क्वेश्चन नंबर 28 इज,
दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर उबेर कप 2022 जीता है? साउथ कोरिया हैज वॉन द उबेर कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज चाइना। ओके, अब साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा के उबर कप। अब उबर से क्या समझ में आता है? उबर क्या है? एक कार है, है ना, इसको लोग बुक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्या है? कार है। तो कार यानी कि कोर यानी कि कोरिया। ओके, सो साउथ कोरिया ने जीता है उबेर कप 2022 का। अभी हमने पीछे थॉमस कप पढ़ा था जिसमें इंडिया ने जीता है पहली बार ये टाइटल थॉमस कप का इंडोनेशिया को हरा के। और ये दोनों ही उबर कप और थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये उबर कप कहाँ पे हुआ है? सो ये उबर कप हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज, कौन सा देश 15th विश्व वानिकी सम्मेलन का मेजबान है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है ना, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने कौन सा कॉन्फ्रेंस किया है? 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री। ओके, सो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो इसमें क्या कहा गया है कि हमें फॉरेस्ट को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ना पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा और हर जगह बिल्कुल कोरी हो जाएगी, नदी सूख जाएंगे, आपका टैंक सूख जाएगा पानी का, झरने सूख जाएंगे, तो सब जगह क्या हो जाएगा? कोरा हो जाएगा। तो पानी को क्या करना है? सेव करना है। ठीक है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को सेव करना है ताकि पानी को सेव करें। तो पानी यानी कि 15 और कोरा यानी कि कोरिया। सो 15th फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? कोरा यानी कि साउथ कोरिया में। ओके, और ये कब से कब तक चला था? फ्रॉम 2nd to 6th May 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 30 इज, राजीव रंजन और सीतिकांत पटनायक को किस बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है? राजीव रंजन एंड सीतिकांत पटनायक हैव बीन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय विच बैंक? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजीव रंजन और सीतिकांत पटनायक को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को, और कौन से एक्ट के थ्रू? 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ओके, अब रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सारे बैंकों को ये संचालित करता है। प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और RBI का जो लोगो है ना, इसमें ये जो आप जानवर देख रहे हो ना, ये कौन सा एनिमल है? ये है टाइगर। ओके, ये लॉयन नहीं है, कौन सा एनिमल है? टाइगर। ठीक है, तो अब RBI का न्यू मोटो क्या है कि कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। ओके, सो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन RBI का न्यू मोटो है। सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? वॉट आर सूरत एंड उदयगिरी लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉरशिप यानी कि युद्धपोत। ओके, सो सूरत एंड उदयगिरी लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर ने, और ये क्या है? वॉरशिप यानी कि युद्धपोत है। ओके, सो सूरत और उदयगिरी के बारे में अब हम कुछ डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, सो राजनाथ सिंह ने मुंबई में मचगांव डॉक्स में 2 मेक इन इंडिया युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया है, और ये पहली बार है कि 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत को मचगांव डॉक शिप बिल्ड लिमिटेड द्वारा एक साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहली बार 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। ठीक है, और इसको किसने डिजाइन किया है? नौसेना डिजाइन निदेशालय DND द्वारा। ओके, अब इसमें पहला जो है सूरत, ये 4th डिस्ट्रॉयर है इन प्रोजेक्ट 15B का, और इसका नाम रखा गया है पश्चिमी भारत के दूसरे सबसे वाणिज्यिक केंद्र सूरत के नाम पर। ठीक है, और जो दूसरा है उदयगिरी INS उदयगिरी, जिसका नाम आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, जो प्रोजेक्ट 17 ने ग्रेड्स का तीसरा जहाज है। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, कौन से? सूरत और उदयगिरी। ओके, सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि सूरत और उदयगिरी क्या है? तो ये एक वॉरशिप है। तो किसकी बात हो रही है? सूरत और उदयगिरी। तो सूरत यानी कि सूरज, तो जैसे ही सूरज का उदय होता था ना पहले, तो वैसे ही वॉर स्टार्ट हो जाता था, है ना। तो सूरज के उगते ही वॉर स्टार्ट, यानी कि दोनों क्या है? वॉरशिप है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, बी गोविंद राजन को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? बी गोविंद राजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच कंपनी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड कंपनी का CEO अपॉइंट किया गया है बी गोविंद राजन को। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, बी, तो बी से क्या होता है? हमारा बिग। ओके, और गोविंद राजन यानी कि राज, जो लोग बिग होते हैं उनका सब पे राज होता है। तो बिग यानी कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सब पे राज करते हैं। तो बड़े लोग यानी कि रॉयल लोग, सो रॉयल एनफील्ड। ओके, सो रॉयल एनफील्ड के CEO बनाए गए हैं बी गोविंद राजन।
ओके. क्वेश्चन नंबर 33 इज, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी विच हैज बीन नोटिफाइड एज टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान. अब राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को नेक्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस वजह से राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे और ये 52nd यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा इंडिया का. ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, विषधारी सेंचुरी. तो विषधारी, ओके, सो जितने भी विषधारी जीव होंगे ना वो किसी न किसी स्थान पे तो रहते ही होंगे, तो किसी न किसी स्थान यानी कि राजस्थान. सो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान. अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है, और मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है, कोटा में है. ठीक है, अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के कैपिटल क्या है, जयपुर, और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी किससे रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 34 इज, विश्व के सबसे बड़े वाहन बाजार में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 4th. ओके, सो इंडिया में जितने भी ऑटोमोबाइल मार्केट है ना, उस सबको मिला के इंडिया की पोजीशन क्या रखी गई है, 4th पोजीशन पे है इंडिया. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्चर्स दी ऑटोमोबाइल्स, इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 4th पोजीशन पे आ गया है, और 1st पोजीशन पे कौन है, चाइना. ओके, और US और जापान कौन है, चाइना के बाद 2nd और 3rd पोजीशन पे है. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑटोमोबाइल की. सो अब हमें कैसे ध्यान रखना है, ऑटो और मोबाइल, तो ऑटो में कितने पहिए लगे रहते हैं, इंडिया में 3 पहिए और 1 मोबाइल यानी कि 4. ओके, सो इंडिया की पोजीशन क्या हो गई, 4th हो गई ऑटोमोबाइल मार्केट में. ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इज, हाल ही में किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ रिसेंटली? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया यानी कि भारत. ओके, सो भारत में रिकॉर्ड किया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ. ठीक है, और 2nd पोजिशन पे कौन है, चाइना है, तो इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पॉल्यूशन की वजह से डेथ में. ठीक है, तो अगर किसी कंट्री में ना पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ना वो पॉल्यूशन बढ़ता ही जाएगा, अगर उसका कोई इलाज नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस कंट्री में बढ़ता जाएगा यानी कि बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता यानी कि भारत. ओके, सो पॉल्यूशन से डेथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, मैक्सिमम भारत में. हर साल 24 लाख के मौतें हुई हैं प्रदूषण की वजह से, और चाइना 2nd पोजिशन पे है 22 लाख का आंकड़ा लेकर. ओके, सो लेसेंट एक चिकित्सा पत्रिका है और इसी ने अपने आर्टिकल में ये बताया है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ एयर पॉल्यूशन से कहाँ पे हुई है, इंडिया में. राइट, क्वेश्चन नंबर 36 इज, बार्बी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, यानी कि अब उड़ीसा ने जीता है 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप. ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, हॉकी की, और कौन सा संस्करण, 12वां संस्करण. ठीक है, तो हॉकी खेलते टाइम ना आपको बार बार बॉल उड़ानी पड़ती है, तो बार बार यानी कि 12वां संस्करण, और हॉकी से बॉल को उड़ाते हैं तो उड़ाना है यानी कि उड़ीसा. सो किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है कर्नाटका को हरा कर. ओके, सो द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ पे हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में. राइट, क्वेश्चन नंबर 37 इज, किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है? विच रेलवे जोन हैज डेवलप्ड बैटरी ऑपरेटेड ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने. अब वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने लोकोमोटिव नवदूत को डेवलप किया है, तो लोकोमोटिव का नाम क्या है, नवदूत. ठीक है, सो कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, लोकोमोटिव, मोटिव क्या है कि बेस्ट दूध बनाना है, तो बेस्ट यानी कि बेस्ट और दूध यानी कि दूध, सो नवदूत. ठीक है, सो नवदूत लोकोमोटिव डेवलप किया है किसने, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने. ओके, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिरी है क्या. सो वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज डेवलप अ बैटरी ऑपरेटेड ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नेम नवदूत. दिस इंजन रन्स ऑन बोथ मॉडल दैट इज बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये इंजन बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगा. सो इस लोकोमोटिव ने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी जीता है. अब नवदूत आखिर है क्या, सो ये इंजन रन करेगा बोथ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, और इस इंजन की स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, जो पुल कर सकेगा 18 कोचेस को. ठीक है, और इसमें 84 बैटरीज होंगी जिसकी कैपेसिटी होगी कि वो 400 टन
को पुल कर सके. ओके, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ न्यू काटनी जंक्शन. सारे ट्रायल्स पास करने के बाद ये यूज किया जाएगा अदर स्टेशन पे भी सामान ढोने के लिए, ठीक है, ऑयल एज अ ऑयल टैंकर्स के लिए भी. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, भारतीय कपास परिषद के गठन के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉटन काउंसिल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुरेश भाई कोटक. अब सुरेश भाई कोटक को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉटन काउंसिल. ओके, सो भारत में कॉटन के यूज कब होता है ना, जब किसी को चोट वोट लग जाती है. और चोट कहाँ पे लग गई? सर पे लग गई. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें कैसे ध्यान रखना है? चोट लग गई सर, यानी कि सुरेश. ओके, सो सुरेश भाई कोटक को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉटन काउंसिल का. ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज, 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फॉर द 16th टाइम? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैंटोन कूल. ओके, अब ये फर्स्ट फॉरेनर बन गए हैं जिन्होंने क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट को 16 बार. ओके, सो अब 16 बार तो वही चढ़ पाएगा माउंट एवरेस्ट को ना. अब जिसकी सोल ना माउंट एवरेस्ट की कूल कूल हवा को अपने अंदर समाहित कर चुकी होगी कि ठीक है अब फिर से आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ेगा उसके सोल पे, क्योंकि वो उसके एटमॉस्फेयर की यूज जो हो गई. तो सोल कैसी हो गई? बिल्कुल कूल हो गई पहले से ही. तो कूल यानी कि कैंटोन कूल. ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज, एक जगह जिसे गृह उपन्यास कहा जाता है कि लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ए प्लेस कॉल्ड होम नोवल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रीति सोनॉय. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अ प्लेस कॉल्ड होम, ठीक है, एक ये नोवल है तो उसको किसने लिखा है ना, प्रीति सोनॉय ने लिखा है. सो अब हम इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन याद करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? अ प्लेस कॉल्ड होम. तो घर का जो प्लेस होता है ना वो कैसा होता है? प्रीति प्रीति होता है. तो जो भी हमारी घर होता है ना, तो चाहे किसी का कैसा भी घर हो, वो कैसा लगता है? हमेशा प्रीति लगता है. तो प्रीति यानी कि प्रीति है ना. तो चार ही ऑप्शन में प्रीति आ रहा है. अब नेक्स्ट क्या है कि घर ना हमारा ऐसा होता है जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, खुशी भी मना सकते हैं, रो भी सकते हैं, शोर भी मचा सकते हैं. तो शो यानी कि सोनॉय. सो प्रीति सोनॉय. ओके, सो प्रीति सोनॉय हो जाएगा इस नोवल की राइटर, इस नोवल की ऑथर. कौन सा नोवल? अ प्लेस कॉल्ड होम, राइट. क्वेश्चन नंबर 41 इज, महारानी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार का आदेश किसने प्राप्त किया है? हु रिसीव द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड बाय द क्वीन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अजय परमाल. सो अजय परमाल को मिला है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड बाय द क्वीन, ठीक है. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. सो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, उन्होंने भी कुछ ऑर्डर की. तो आजकल ना पूरे इंडिया में क्या छाया हुआ है? पान मसाला छाया हुआ है ना, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी. तो ऐसे ही विमल पान छाया हुआ है. तो ब्रिटिश एम्पायर ने भी फिर क्या ऑर्डर किया? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो उन्होंने भी विमल ऑर्डर किया. तो विमल यानी कि पिरामल. सो अजय पिरामल को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है बाय क्वीन. ओके, सो द चेयरमैन ऑफ पिरामल ग्रुप अजय पिरामल हैज बीन कन्फर्म्ड विद द ऑनरी कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय हर मेजेस्टी द क्वीन, ठीक है. सो इन्होंने रिसीव किया है ये अवार्ड यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत से अध्यक्ष के रूप में और यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है. तो यूके और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है. तो इस चीज़ के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, BSCE के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ BSCE? ओके, सो BSCE क्या है यहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है SS मुंद्रा को. अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए ना आपको क्या चाहिए? मुद्रा लगेगी. तो मुद्रा यानी कि SS मुंद्रा. ओके, सो मुंद्रा विल रिप्लेस जस्टिस विक्रमजीत सेन हु इज द करेंट चेयरमैन. तो ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? जस्टिस विक्रमजीत सेन को, जो करेंट चेयरमैन है. ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 43 इज, किस भारतीय महिला ने महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता है विश्व खिताब? विच इंडियन वुमेन वॉन द वर्ल्ड टाइटल इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, निखत जरीन. सो अभी हमने पीछे पढ़ा था वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में. सो अब निखत जरीन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है. अब जब इन्होंने बॉक्सिंग की होगी ना तो इनके सामने सब लोग निपट गए होंगे, तभी तो इन्होंने गोल्ड जीता. तो सब लोग निपट यानी कि निखत. सो निपट निखत. सो कौन हो जाएंगे? निखत जरीन. ओके, क्वेश्चन नंबर 44 इज, POSB खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? विच न्यू फैसिलिटीज हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर POSB अकाउंट होल्डर्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेफ्ट RTGS. ओके, सो अब जो पोस्ट ऑफिस थी ना उसमें नेफ्ट या RTGS की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो अब ये इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट्स होल्डर जो हैं वो स्टार्ट कर सकेंगे मनी को ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिकली. सो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं कैन स्टार्ट ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली नाउ. सो
क्वेश्चन नंबर 45 इज, किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? इन विच स्टेट द वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, केरला। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस 2022। सो कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है? तो केरला में हुआ है। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है केरला की, तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनारी विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 इज, उस लेखक और पत्रकार का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली के लिए विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022 जीता है। नेम द ऑथर एंड जर्नलिस्ट हु हैज़ वॉन द विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022 फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ले मोर्गन। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विलियम ए कॉल्बी अवार्ड दिया गया है इनको, और इनकी जो बुक है द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, विलियम ई कॉल्बे। सो कैसे ध्यान रखना है कि विलियम ना ई कॉल करने के लिए कह रहे हैं किसको? अपने बेस्टी को। अपने बेस्टी को ये चाहते हैं कि इनको ई कॉल करी जाए, इनके बेस्टी को। सो ये क्या कह रहे हैं ना कि प्लीज़ मेरे बेस्टी को कॉल की जाए। तो बेस्टी को कॉल यानी कि बेस्टी वेस्ली, क्योंकि इनका उनसे बात करने का मन कर रहा है। तो मन मोर, तो मन मोर्गन। ओके, सो वेस्ली मोर्गन को अवार्ड दिया गया है विलियम ई कॉल्बे 2022 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 इज, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य के स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म को सी स्पेस नाम से लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म नेम सी स्पेस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरला। ओके, सो इंडिया का फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है? सी स्पेस को किसने लॉन्च किया है? केरला ने लॉन्च किया है। ठीक है, सो केरल सरकार 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगा। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस में जाना है, टॉप पे जाना है, तो इसके लिए आपको अलग से रेल चलानी पड़ेगी। तो अलग से रेल यानी कि केरला। ओके, सो ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम सी स्पेस है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? केरला ने लॉन्च किया है। राइट, क्वेश्चन नंबर 48 इज, वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? विच कंट्री चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ओके, वो भी किस पे? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। सो अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, तो फूड को सिक्योर करने के लिए जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कहा गया है कि हम सभी को मिलके काम करना है। तो मिलके काम हम सभी को, तो हम सभी यानी कि अस, तो अस यानी कि यूएसए। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ओके, और जिसपे फोकस क्या रखा गया है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन एंड रेजिलेंस, और ये कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। राइट, क्वेश्चन नंबर 49 इज, किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली डेंटल स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब पीएनबी ने शुरू किया है इंडिया का फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ओके, सो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डेंटल की। तो जब इंसान के दांतों में दर्द होता है ना, तो सबसे पहले वो भागते हुए ना डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर से मेट करता है ना। तो डॉक्टर क्या कहता है? प्लीज डॉक्टर, सबसे पहले आप मुझसे मिल लो। तो प्लीज मेट, तो प्लीज मेट यानी कि पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया दैट कवर फिक्स बेनिफिट आउट पेशेंट एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस विद कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल डेंटल हेल्थ। अब बात हो रही है यहाँ पे पीएनबी मेट लाइफ की। सो पीएनबी मेट लाइफ इस्टेब्लिश हुआ है 2001 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और जिसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? किशोर पोनावलू, और जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार श्रीवास्तव। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है? पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने। राइट, क्वेश्चन नंबर 50 इज, राष्ट्रीय भूगोल समाज ने किस पर्वत पर विश्व सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? ऑन विच माउंटेन हैज द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पे एस्टैब्लिश किया है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन। अब वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन इस्टैब्लिश किया है, वो भी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पे ही होगा। सो हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट। ओके, सो माउंट एवरेस्ट के अल्टीट्यूड
8,830 मीटर्स पे एस्टैब्लिश किया गया है ताकि वहां से ऑटोमेटिकली मेजर किया जा सके वेरियस मेट्रोलॉजिकल फेनोमेनास को. ओके, सो कहां पे लॉन्च किया गया है? माउंट एवरेस्ट पे, राइट. क्वेश्चन नंबर 51 इज, किस राज्य सरकार ने लोक मिलानी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लोक मिलानी योजना? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब. ओके, अब पंजाब ने शुरू किया है लोक मिलानी योजना. अब आखिर ये लोक मिलानी योजना है क्या? सो लोक मिलानी योजना में जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उनको ये सरकार सुनेगी, उनका निवारण निकालेगी और लोगों से जनसंपर्क करेगी. यानी कि बेसिकली ये एक पहल है, यानी कि ये एक पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें लोगों की बात सुनी जाएगी. अब यह संवेदात्मक कार्यक्रम राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए और एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लोक मिलानी. सो अब लोग से क्या याद रखना है ना, तो लोग. सो लोग ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब हम जाएंगे, तो लोग जॉब के लिए ना कितनी भी दूर जा सकते हैं. तो जॉब उन्हें मिल जाए, तो जॉब मिल जाए लोगों को लिए, तो कितनी भी दूर जा सकते हैं. तो जॉब यानी कि पंजाब. ओके, सो लोक मिलानी योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू की है? पंजाब गवर्नमेंट ने, राइट. अब बात हो रही है यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़. और इसके राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित. और इसके सीएम कौन है? भगवंत मान. ओके, जो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? आप पार्टी को, राइट. क्वेश्चन नंबर 52 इज, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंगापुर. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है सिंगापुर ने. ओके, सो इंडिया के साथ ना जिसने सबसे पहले साइन कर लिया होगा, जिसने सबसे ज्यादा साइन किए होंगे एग्रीमेंट्स में कि हम आपके कंट्री में ये डेवलप करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सो उसी कंट्री ने फिर इन्वेस्ट भी किया होगा जिसने सबसे ज्यादा साइन किए होंगे. तो साइन यानी कि सिंगापुर. ओके, सो सिंगापुर बन गया है लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022. ओके, और सेकंड पोजीशन पे कौन है? यूएस 18% के साथ. और थर्ड पोजीशन पे है मॉरिसस 16% के साथ. ओके, क्वेश्चन नंबर 53 इज, अमेजॉन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए पहला पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर अमेजॉन संभव एंटरप्रेनरशिप चैलेंज 2022? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुभाष ओला. ओके, अब फर्स्ट प्राइज जीता है फॉर अमेजॉन संभव एंटरप्रेनरशिप चैलेंज का, ठीक है. सो एक इनोवेटर है राजस्थान की, जिन्होंने डेवलप किया है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनर्जी को सेव कर रही है इन बॉइलिंग बाय रिसाइकलिंग स्टीम. सो कौन है वो पर्सन? सुभाष ओला है. और इन्होंने ही जीता है फर्स्ट प्राइज फॉर अमेजॉन संभव एंटरप्रेनर चैलेंज 2022 का, राइट. एंड इस एंटरप्राइज जेनिस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड हैज वॉन द स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है इनकी कंपनी ने. ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अमेजॉन संभव एंटरप्रेनरशिप चैलेंज. अब जो भी असंभव को संभव कर पाएगा ना, तो उसी को सब शाबाशी देते हैं. तो उसी को सब शाबाशी यानी कि सुभाष ओला. ओके, सो फर्स्ट प्राइज फॉर अमेजॉन संभव एंटरप्रेनरशिप चैलेंज 2022 किसने जीता है? सुभाष ओला ने, राइट. क्वेश्चन नंबर 54 इज, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंथोनी एल्बेनसे. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन बन गए हैं? एंथोनी एल्बेनसे, राइट. क्वेश्चन नंबर 55 इज, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मे 2022. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बायोडाइवर्सिटी की, राइट. सो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता दिवस. अब भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, तो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, तो जिसकी वजह से लोगों की वॉइस भी क्या है? डिफरेंट है. तो लोगों की वॉइस में भी डिफरेंट, तो वॉइस में भी यानी कि 22 मई. ओके, सो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट. क्वेश्चन नंबर 56 इज, नेचिप्यू सुरंग किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नेचिप्यू टनल लोकेटेड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश. ओके, सो अरुणाचल प्रदेश में है नेचिप्यू टनल. सो हमें कैसे ध्यान रखें ना, क्या लिखा है? नेचिपू, तो नेचिपू यानी कि ना चिपको. सो अब किससे कहा जा रहा है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे तो किससे कहा जा रहा है? अरुणा से कहा जा रहा है कि अरुणा इस टनल से ना चिपको. तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में है नेचिपो सुरंग. ओके, और ये 5,700 मीटर इसकी हाइट है और 500 मीटर ये लंबा, और कौन सी शेप का है? डी शेप का है, राइट. सो ये टू वे ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा. कौन सा टनल? नेचिप्यू सुरंग. ओके, और इट विल बी इक्विप्ड विथ मॉडर्न लाइटनिंग एंड सेफ्टी फैसिलिटीज, राइट. अब बात हो रही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर.
यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू, और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, किस देश ने अंतरिक्ष दूरबीन से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है? विच कंट्री हैज प्लान टू डिस्कवर द वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लांट विद अ स्पेशल टेलीस्कोप? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चाइना। सो ये पहला प्रोजेक्ट बनाने वाला कौन सा कंट्री हो गया है? चाइना, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है हैबिटेबल प्लैनेट का, यानी कि रहने योग्य एक प्लैनेट को खोजने जा रहा है जो सन के आसपास होगा। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है? फर्स्ट हैबिटेबल, सो यहाँ क्या लिखा है? हैबिटेबल, तो हैबिट है ना, तो कुछ लोगों के ना डेली के प्लान में हैबिट रहती है चाय में ज़्यादा चीनी पीने की, तो चाय में ज़्यादा चीनी यानी कि चाइना। तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 32 वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने का एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है, और इसका नाम रखा गया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, और इस सर्वे का नाम रखा गया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, जिसमें इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है टू सर्च फॉर हैबिटेबल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अराउंड सन लाइक स्टार्स। ओके, सो अब ये अंतरिक्ष का पहला मिशन होगा, ठीक है, जो चाइना लॉन्च करेगा, यानी कि ये चाइना इस प्रोजेक्ट का हेड है, जिसमें वो एक हैबिटेबल यानी कि पृथ्वी की तरह ही एक दूसरा ग्रह खोज करेगा सन के आसपास। ओके, अब बात हो रही है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी, और इसके चाइना के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। ठीक है, और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि साइंटिस्ट ने कहा है चाइनीज के सर्वे किया जाएगा स्काई का थ्रू अ स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विश्व व्यापार संगठन समिति की 10 वर्षों के बाद अध्यक्षता करने वाला पहला भारतीय प्रतिनिधि कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू चेयर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमिटी फॉर 10 ईयर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनवर हुसैन शेख। ठीक है, सो अनवर हुसैन शेख बन गए हैं फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमिटी को 10 साल बाद। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखेंगे कि 10 साल बाद इनका नंबर आया, तो 10 साल बाद नंबर आया, तो नंबर यानी कि अनवर हुसैन शेख। ओके, सो फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 ईयर्स इन एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अनवर हुसैन शेख हैज़ बीन अपॉइंटेड टू चेयर द कमिटी ऑफ टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट, अब बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 को, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नाओजी ओकांजो इवेला। ओके, तो नाओजी ओकांजो इवेला। राइट, क्वेश्चन नंबर 59 इज, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? हु हैज़ रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिजाइन दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 इज, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हु विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। ओके, सो विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं अब न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और पहले कौन थे? अनिल बेजाल थे। ठीक है, अब न्यू लेफ्टिनेंट से कैसे ध्यान रखना है हमें? लूट। ओके, सो जब भी कहीं सेल लगती है ना तो लूट मच जाती है। ओके, तो जब भी कहीं नई नई चीज़ों की सेल लगे तो लूट मच जाए, तो नई यानी कि विनय कुमार सक्सेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 इज, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 54। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रैंक किया गया है भारत को 54th पोजिशन पे इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में, सो जब भी इंडिया के लोग ना ट्रैवल करने जाते हैं या कहीं टूरिज्म में जाते हैं ना, तो कहीं वो खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट या किसी ढाबे वगैरह में ना, तो जो बच्चे होते हैं ना, जो मेनली बच्चे होते हैं, उनका सबसे पहले फोकस कहाँ होता है? चाउमीन पे। तो उनका फोकस क्या रहता है कि चलो चाउमीन खा लेते हैं, तो चाउमीन यानी कि चाउ यानी कि 94, सो 94 यानी कि 54। तो इंडिया की पोजीशन क्या है 2021 की? 54 है। ओके, और 2019 में भारत की पोजीशन थी 46, जो इस बार बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। राइट, फर्स्ट पोजीशन पे है जापान, और 117 कंट्रीज में जो सबसे लास्ट आई है वो है चाड। ओके, सो द बॉटम पोजीशन मिली है इज ऑक्यूपाइज बाई कंट्री चार्ट। सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की पोजीशन क्या है, इसमें 54 है। राइट, क्वेश्चन नंबर 63 इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर टेड्रोस अधानो गिवेनियस। ओके, अब इन्हें रीअपॉइंट किया गया है WHO का DG।
ओके सो WHO क्या कहता है ना कि अगर आपको फिट रहना है ना, फिट रहना है तो रोज आप ना आधी गोली लो, रोज आप आधी गोली लो और घबराओ नहीं. तो रोज यानी कि टेड्रोस, आधी यानी कि अधानो, और घबराओ नहीं यानी कि गेवेरियस. ओके सो डॉक्टर टेड्रोस अधानो गेवेरियस को अपॉइंट कर दिया गया है फिर से डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. ओके क्वेश्चन नंबर 64 इज कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली पहली कंपनी बन गई है. विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बी ट्रेडेड ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC. अब ONGC बन गया है भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस बेचने वाला पहला गैस उत्पादक. ओके सो ONGC के निदेशक तटीय और प्रभावी विपणन अनुराग शर्मा ने भारत के पहले स्वचालित राष्ट्रीय स्तर के गैस एक्सचेंज IGX पर पहला ऑनलाइन व्यापार किया है. ठीक है, इन्होंने पहला ऑनलाइन व्यापार भी हो गया है और एक्सचेंज किया गया गैस ONGC कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से आया, लेकिन बेची गई मात्रा की अभी पहचान नहीं की गई है. ठीक है, तो जो भी गैस एक्सचेंज की गई है वो कहाँ से ली गई है, ONGC की कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से आया गया है. ओके तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंपनी कौन बन गई है टू बी ट्रेडेड ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज की तरह. सो ONGC, राइट. क्वेश्चन नंबर 65 इज टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में लीडर्स कैटेगरी के तहत किसे नामित किया गया है. हु हैज़ बीन नेम्ड बाय टाइम मैगजीन इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 अंडर द लीडर कैटेगरी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए खुर्रम परवेज. ओके सो वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 में इंडिया की तरफ से किसका नाम है, खुर्रम परवेज का नाम है. ठीक है, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में वही आ पाएगा ना जिसका खुरपाती दिमाग हो, है ना. तो खुरपाती यानी कि खुर्रम परवेज. ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आए हैं, लीडर्स कैटेगरी में आए हैं. सो ये जो टाइम मैगजीन ने ना कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिया है. सो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट लॉयर करुणा नंदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी एंड प्रोमिनेंट कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज हैव बीन नेम्ड अमंग द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 बाय टाइम मैगजीन. ओके सो करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज का नाम है इस बार वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 में, जिसको रिलीज किया है टाइम मैगजीन ने. ओके सो इस लिस्ट को डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरी में, आइकन, पाइनियर, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर एंड इनोवेटर. तो इसमें जो मेन दो कैटेगरी है टाइटन और लीडर्स, जिसमें इंडिया के भी नाम है, तो इसको हम देखने वाले हैं. सो टाइटन्स कैटेगरी में है गौतम अडानी. ओके सो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी बिल्कुल नाम नहीं है. सो गौतम अडानी को टाइटन्स कैटेगरी में नाम दिया गया है. और लीडर्स में बात करें तो करुणा नंदी और खुर्रम परवेज का नाम है. ठीक है, तो लीडर कैटेगरी में है करुणा नंदी और खुर्रम परवेज, और टाइटन्स की कैटेगरी में है गौतम अडानी. राइट, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है. व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023. सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट टू हेल्थ. ओके तो स्वच्छ सर्वेक्षण की बात हो रही है ना, तो स्वच्छ हम तभी रख पाएंगे जब हम वेस्ट से हटकर अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, है ना. जब हम गंदगी कम करेंगे और अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वेस्ट टू हेल्थ. ओके क्वेश्चन नंबर 67 इज संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है. हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2021 बाय द संगीत अकादमी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तुरुवरुर भक्त वस्त असलम. ओके अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, संगीत कलानिधि, और 2021 का तो संगीत यानी कि संग. ओके तो जितने भी भक्त लोग होते हैं ना वो संग में जाते हैं गाना गाने, कहाँ पे, भगवान के स्थान पर. तो भगवान के स्थान पर भक्त लोग संग में गाना गाने जाते हैं. तो भक्त लोग भगवान के स्थान पे, सो अवस्थ इस्लाम. ओके सो तिरुवर भक्त अवस्थ इस्लाम को मिला है संगीत कला निधि अवार्ड 2021 का. ठीक है, और 2020 का दिया गया है सनातन गोपालन को. राइट, और 2021 का किसको मिला है, भक्त वास्थलम, और 2022 का दिया गया है कृष्णा एंड विजया लक्ष्मी को. राइट सो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 68 इज किस राज्य ने राज्य स्तरीय शिरुई तिलीली उत्सव 2022 का चौथा संस्करण मनाया है. विच स्टेट सेलिब्रेटेड द फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट लेवल सिरुई लिली फेस्टिवल 2022. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मणिपुर. अब मणिपुर सेलिब्रेट करता है लिली फेस्टिवल, तो कौन सा मनाया है, फोर्थ मनाया है. सो कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, शिरुई, तो शिरुई यानी कि शिरोई. तो एक लड़की है ना तो वो रो रही है, तो वो लड़की क्या है, लिली है. तो वो रो रही है क्यों, क्योंकि उसको मनी चाहिए कोई चीज़ खरीदने के लिए.
तो मनी यानी कि मणिपुर, तो शिरोई लिली फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? फोर्थ एडिशन है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 इज टाइम मैगजीन द्वारा टाइटन शेरी द वर्ल्ड के 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के तहत किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द टाइटन कैटेगरी द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गौतम अडानी। ओके, सो अभी हमने पीछे देखा था कि टाइम मैगजीन ने डिफरेंट कैटेगरीज में नाम दिए हैं लोगों को। ओके, सो टाइटन्स कैटेगरी में किसका नाम दिया है? गौतम अडानी का नाम दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, कैसे ध्यान रखना है, टाइटन यानी कि टाई। ओके, सो क्या कहा जा रहा है ना कि टाइमली टाई लगा के ना अपने अड्डे पे जाओ वरना काम नहीं मिलेगा, तो वो भी टाई लगा के जाना है अपने अड्डे पे, तो टाई लगा के अड्डे पे, तो अड्डा यानी कि गौतम अडानी। सो टाइटन कैटेगरी में नाम दिया गया है गौतम अडानी को, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 इज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया है? विच यूनियन मिनिस्ट्री पार्टिसिपेटेड इन द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक कल्चर मिनिस्टर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी। और मीनाक्षी लेखी कौन है? सो शी इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 7th मीटिंग ब्रिक कल्चर की। और ये कहाँ पर हुआ है? सो ये हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, ठीक है। सो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको होस्ट किया है और जिसमें मीनाक्षी लेखी ने पार्टिसिपेट किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स से ही हमें ना याद रखना है। ओके, सो जब भी हम घर बनवाते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, भाई अच्छे से ब्रिक लगाना है ना, तो अच्छे से मसाले के साथ ब्रिक लगाना ताकि मसाला बिल्कुल साथ में ब्रिक के साथ चिपकाए, तो साथ में, तो साथ वहाँ ब्रिक। ओके, तो साथ में ब्रिक समिट ने किसने पार्टिसिपेट किया है? मीनाक्षी में, है ना, ताकि जो ब्रिक और मसाले है ना वो अच्छे से चिपके रहे, तो अच्छे से यानी कि मीनाक्षी, तो मीनाक्षी लेखी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिपोर्ट अ केस ऑफ मंकी पॉक्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी UAE। अब UAE में ना मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है, ठीक है। सो मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरस है MPV और MPXV, और ये कि DNA वायरस है जो कॉज कर रहा है मंकी पॉक्स इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में, और इट बिलोंग टू द फैमिली पॉक्सी विराइडिया एंड द जेनेसिस क्या है इसका? ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गल्फ स्टेट रिपोर्ट मंकी पॉक्स। ओके, तो कैसे ध्यान रखना है हमें कि मंकी लिखा है ना, तो मंकी से क्या याद रखना है? मनी, है ना, तो मंकी पॉक्स यानी कि बॉक्स। तो कुछ लोग ना अपने मनी के बॉक्स में की लगा के रहते हैं क्योंकि वो बहुत अमीर होते हैं, तो अमीर यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, फर्स्ट केस देखने को मिला है, ठीक है, मंकी पॉक्स का, राइट। क्वेश्चन नंबर 72 इज WDMMA में भारत का कौन सा स्थान है जिसने 2022 की विश्व वायु शक्ति रैंकिंग जारी की है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द WDMMA व्हिच हैज रिलीज द 2022 वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थर्ड। तो इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड है, ठीक है। सो अब एयरफोर्स की पावर में ना इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड है, और इंडियन एयरफोर्स ने थर्ड पोजीशन हासिल की है, ठीक है। सो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज रिलीज द वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग ऑफ 2022 जिसमें इंडिया की रैंक है थर्ड, और टॉप मोस्ट कंट्री कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि इंडिया की जो 3 मिलिट्री पावर हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये कितनी टोटल सेना है? 3 है, तो बस 3, सो थर्ड। सो वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन क्या है? थर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 इज NAS 2021 भारत में स्कूली छात्रों का कितना प्रतिशत पैदल और स्कूलों से आता है? NAS 2021 व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया वॉक टू एंड फ्रॉम स्कूल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 48%। ओके, सो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ है जिसके द्वारा रिलीज किया गया है कि 48% बच्चे पैदल चल के आते हैं, 9% बच्चे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, और एटलीस्ट 25% ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं ना उनको पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते स्कूल आने में और कुछ सीखने में, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? इंडिया वॉक टू एंड फ्रो, ठीक है, यानी कि जो पैदल चल के आते हैं, तो जो बच्चे पैदल चल के आते होंगे ना तो उनका हाथ पैर दर्द हो जाता है, यानी कि उनका फूट और हाथ भी दर्द हो जाता है, फूट चलने के कारण और हाथ पैर बैग उठाने के कारण। तो फूट हाथ यानी कि फूट यानी कि फोर और हाथ यानी कि 8। सो 48% बच्चे जो हैं वो पैदल आते हैं स्कूल। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 इज द्विपक्षीय व्यायाम बोनो सागर भारत की नौसेना और किस देश के बीच शुरू किया गया है? बायलेटरल एक्सरसाइज बोनो सागर इंडियाज हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन नेवी एंड विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश।
अब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ है एक्सरसाइज बोनो सागर। अब यहाँ पे बस क्या लिखा है ना, बोनो, तो बोनो यानी कि बोनो बैन, तो बोनो बैन तो दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो बोनो सागर किसके साथ होता है, इंडिया का बांग्लादेश के साथ। ओके, सो द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बोनो सागर कमीशन एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में। ओके, सो पोर्ट मोंगला पे हुआ है ये बांग्लादेश के, राइट। क्वेश्चन नंबर 75 इज वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिसर्च प्राइज 2022। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोपाल कृष्णा। ठीक है, अब इन्हें दिया गया है इंडस्ट्रियल रिसर्च प्राइज। सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, तो ग्लोबल यानी कि गोपाल, तो ग्लोबल और गोपाल एक जैसे लग रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या लिखा है ना इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल से यानी कि डस्ट हो ना, तो डस्ट किस पे जमने नहीं देना है, गोपाल और कृष्ण पे, तो गोपाल और कृष्ण भगवान की मूर्तियों पे ना आपको डस्ट जमने नहीं देना है। सो ग्लोबल से क्या हो जाएगा, गोपाल। सो ई गोपाल कृष्णा को दिया गया है ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिसर्च प्राइज 2022। ओके, सो ई गोपाल कृष्णा डायरेक्टर ऑफ आईकार सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज वॉन द वैश्विक विविध लक्ष्मी औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2022 इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इन्हें कैश प्राइज मिला है 1.51 लाख का। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 इज जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा शहर है, विच सिटी इज द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। ओके, सो कोलकाता इज द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो डिटेल ये रजिस्टर बनाएगा बायोडाइवर्सिटी का। ओके, जिसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा विद डिटेल्स अबाउट द फ्लोरल एंड फॉनल वेराइटीज इन द सिटी एज वेल एज इट्स लैंड यूज, कितना लैंड यूज हुआ है, कितने प्लांट है, कितने एनिमल है, तो सबका एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और कितनी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, सो द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी BMC। तो कौन इसको बनाने वाला है, BMC इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने वाला है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फर्स्ट मेट्रो की। ठीक है, सो अब बायोडाइवर्सिटी में ना एक एक चीज़ देखा जाएगा, है ना, डिटेल चीज़ें देखी जाएंगी, तो कितना पैसा कट रहा है, कितना कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना पैसा कट रहा है, तो कट यानी कि कोलकाता। सो जो डिटेल रजिस्टर करेगा बायोडाइवर्सिटी पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 इज किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने के लिए एक विधेयक को अपनाने को निर्णय लिया है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ बिल टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी इन प्लेस ऑफ गवर्नर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, कि कौन सा एक ऐसा स्टेट बन गया है जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला है एज अ वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी इन प्लेस ऑफ गवर्नर। जितने भी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वहाँ पर अब गवर्नर को हटा के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए एक बिल लेके आया जा रहा है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सो वेस्ट बंगाल कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स नोट टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ की झड़प की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया, यानी कि राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ है उनकी बहस हो गई विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। सो यहाँ पर फिर एक ये बिल लेके आया जा रहा है कि अब जितने भी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा ना, अब वो चीफ मिनिस्टर लेगा, ना कि गवर्नर लेगा। ओके, तो इसी से रिलेटेड बिल लेके आ रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अब कुछ समय पहले ना, यानी कि कुछ मंथ पहले, तमिलनाडु ने भी एक बिल पास किया था जिसमें उसने कहा था कि अ बिल एम्पावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक ओवर द गवर्नर पावर ऑफ अपॉइंटिंग वाइस चांसलर टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे उल्टा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई कि अब CM नहीं, गवर्नर डिसीजन लेंगे कि किसको अपॉइंट किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर। ठीक है, तो दोनों ने ही अपना अपना बिल इसमें पेश कर दिया है। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू कीप हेल्थ रिकॉर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आभा। ओके, सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू कीप हेल्थ रिकॉर्ड रखने के लिए आभा ऐप लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, सो सबसे ज़्यादा हेल्थ ना किसकी खराब हो जाती है, बाबा लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, बूढ़े बाबा लोगों की, तो बाबा यानी कि आभा। ओके, सो आभा यहाँ पे हो जाएगा जो लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, और ये क्या है, एक ऐप है जिसमें हेल्थ का रिकॉर्ड होगा पेशेंट्स का। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे आभा की, तो आभा की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ओके, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है
सो ये पहले भी लॉन्च हुआ था, बट अब ये फिर से अपडेट करके इसको फिर से लॉन्च किया गया है. सो द अपडेटेड वर्जन ऑफ आवर ऐप हैज अ न्यू यूजर इंटरफेस एंड एडेड फंक्शनैलिटीज दैट इनेबल इंडिविजुअल टू असिस्ट देयर हेल्थ रिकॉर्ड एनी टाइम एंड एनी वेयर अकॉर्डिंग टू रिलीज बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. ओके, सो अब जो इसमें अपडेट किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी जो पेशेंट्स हैं ना, अपना हेल्थ रिकॉर्ड्स कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 79 इज, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने कौन सी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इंडियन ऑथर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच बुक? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टॉम्ब ऑफ स्टैंड. अब टॉम्ब ऑफ स्टैंड के लिए दोनों ने बुकर प्राइज जीता है इंटरनेशनली. ओके, सो यहाँ पे गीतांजलि श्री की बात हो रही है ना, तो गीतांजलि श्री ने लिखी है टॉम्ब ऑफ स्टैंड हिंदी वर्जन में. ओके, सो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गीता. सो जो भी होली बुक्स होती है ना, उनको स्टैंड पे रखे पढ़ा जाता है, तो स्टैंड यानी कि टॉम्ब ऑफ स्टैंड. सो गीतांजलि श्री की बुक है टॉम्ब ऑफ स्टैंड, जिसको रिसेंटली अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है. सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 80 इज, अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कॉर्प एज अ फाइटर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अभिलाषा बराक. ओके, सो अभिलाषा बराक ने ज्वाइन किया है आर्मी एविएशन कॉर्प एज अ फाइटर. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्मी एविएशन, तो यहाँ क्या लिखे ना, एवी यानी कि अभी, तो अभी यानी कि अभिलाषा. सो अभिलाषा बराक यानी कि फाइटर हेलीकॉप्टर को चलाने वाली पहली वुमेन बन गई हैं, और क्या नाम है इनका, अभिलाषा बराक है. ठीक है, तो ये बन गई है तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी, अभिलाषित होंगी. सो ये कौन हो जाएंगी, अभिलाषा बराक. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, राइट. क्वेश्चन नंबर 81 इज, भारतीय कुश्ती संघ ने किस पहलवान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? विच रेसलर हैज़ बीन बैंड फॉर लाइफ बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सत्येंद्र मलिक. अब सत्येंद्र मलिक को आजीवन बैन करने की घोषणा की गई है. अब ये क्या है ना, आजीवन इनको बैन क्यों किया गया होगा, क्योंकि इन्होंने अपने मालिक यानी कि रेफरी से ना लड़ाई झगड़ा कर लिया. सो रेफरी जगबीर सिंह को मारने के लिए भारतीय कुश्ती संघ द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है पहलवान सत्येंद्र मलिक पे. तो इन्होंने अपने मालिक पे यानी कि मालिक से ही बहस कर ली, लड़ाई कर ली, ठीक है, और इन्होंने सत्य बात नहीं बताई, तो सत्य बात नहीं बताई और मालिक से लड़ाई कर ली, यानी कि सत्येंद्र मलिक को बैन कर दिया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लाइफ टाइम. ओके, क्वेश्चन नंबर 82 इज, फ्रेंच रिवेरा फिल्म समारोह में सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्टता के साथ किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी. ओके, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा एट फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल. ओके, अब कैसे ध्यान रखना है ना, फ्रेंच रिवेरिया, तो फ्रेंच यानी कि फैन, तो उनके जितने भी फैन होंगे ना, वो चाहते होंगे कि इनको ये अवार्ड से नवाजा जाए, तो नवाजा यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी. सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है विद एक्सीलेंस इन सिनेमा. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन फेस्टिवल 2022? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली. ओके, सो न्यू दिल्ली में इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल हो रहा है. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ड्रोन की, तो अब ना ड्रोन का कुछ ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ड्रोन की भी अब नई नई वैरायटी आ रही है. आप देख रहे हो ये इतना बड़ा ड्रोन है, ये उससे छोटा ड्रोन है, तो ड्रोन की भी अब न्यू वैरायटी आ रही है. तो न्यू वैरायटी को प्रमोट कहाँ पे कर पाएंगे, न्यू दिल्ली में ही कर पाएंगे. सो न्यू यानी कि न्यू दिल्ली. सो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल यानी कि भारत ड्रोन फेस्टिवल 2022 कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र किस देश ने बनाया है? विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च स्टेशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुवैत. अब कुवैत ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च स्टेशन बनाया है, तो वो भी वर्ल्ड का है ना, तो पेट्रोलियम का वर्ल्ड का जो भी बना होगा ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेट भी होगा, तो बहुत ज़्यादा वेट यानी कि कुवैत. सो कुवैत हो जाएगा इसका आंसर. सो कुवैत सिटी के दक्षिण में अल अहमदी में बनने वाले इस केंद्र में 28 प्रयोगशाला होंगी, और यह बेहतर उत्पादन और शोधन तकनीकों को विकसित करने की कोशिश करेगा, जिसका उपयोग उद्योग द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जिसमें भारी कच्चे और गैर संबंधित गैस का निष्कर्षण शामिल है. एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ हैवी क्रूड एंड नॉन एसोसिएटेड गैस. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र किस देश ने बनाया है, कुवैत ने, राइट. क्वेश्चन नंबर 85 इज,
किस राज्य ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द वर्ल्ड नो टैबाकू डे अवार्ड 2022? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी झारखंड ने. ओके, सो झारखंड ने जीता है वर्ल्ड नो टैबाकू डे अवार्ड. अब बात हो रही है ना यहाँ पे वर्ल्ड नो टैबाकू डे अवार्ड, सो अब झारखंड को मिला है. तो जो भी एरिया होगा ना टैबाकू का, जो भी गंदा एरिया होगा टैबाकू का, तो झारखंड के लोग ना बार बार उसको झाड़ू से साफ करते रहते होंगे और लोगों को अवेयरनेस भी फैलाते होंगे कि टैबाको मत यूज़ करो मत यूज़ करो, तो झाड़ू से बार बार झाड़ते होंगे. तो झाड़ू झाड़ यानी कि झारखंड. ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को सिलेक्ट किया है फॉर द वर्ल्ड नो टैबाको डे अवार्ड 2022 के लिए. अब बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची. और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन. गवर्नर कौन है? रमेश बायस. ओके, WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था और जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानो गिब्रियस, और इन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 86 इज लंदन परिषद में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट दलित वुमेन मेयर इन द काउंसिल ऑफ लंदन? सो द करेक्ट आंसर इज मोहिंदर के मिधा. अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फर्स्ट दलित वुमेन. तो कैसे ध्यान रखना है ना, फर्स्ट दलित, तो दलित तो क्या समझ में आ रहा है? दाल है ना. तो जब ना वुमेन दाल बनाती है, तो जब जब वुमेन दाल बनाती है ना, तो इतना अच्छा बनाती है कि सब लोग मांगने लगते हैं. तो सब लोग क्या कहते हैं? मोहे भी दे दो, मोहे भी दे दो. तो मोहे भी दे दो यानी कि मोहिंदर के मेधा. ओके, सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, राइट. सो इंडियन ओरिजन की पॉलिटिशियन है फ्रॉम द UK अपोजिशन लेबर पार्टी काउंसिलर मोहिंदर के मेधा हैज बीन इलेक्टेड मेयर ऑफ ईलिंग काउंसिल इन वेस्ट लंदन, बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ लोकल लंदन काउंसिल बिलोंगिंग टू दलित कम्युनिटी. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 87 इज 75वें कॉन्स फिल्म समारोह में किस डॉक्यूमेंट्री ने एल ओल डी ओर 2022 जीता है? विच डॉक्यूमेंट्री हैज वॉन एल ओल डी ओर 2022 एट द 75th कॉन्स फिल्म फेस्टिवल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑल द ब्रेथ. ओके, सो इंडिया की तरफ से एक यही डॉक्यूमेंट्री है जिसने जीता है एल ओल डी और 2022 का अवार्ड एट 75th केन फिल्म फेस्टिवल. और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कैंस फ्रांस में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, एल ओल डी ओल, तो बस कैसे ध्यान रखना है, एल ओल और ऑल. सो प्राइस फिर किसे दिया गया? ऑल द ब्रेथ को. ओके, सो कैंस फिल्म फेस्टिवल 2022, तो शौनक सेन ऑल दैट ब्रीथ विंस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड. दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर शौनक सेन ऑल दैट ब्रीथ वॉन द एल ओल डी ओर गोल्डन आई फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल. ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्री किसकी है? शौनक सेन की है, जो कि दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर है, राइट. क्वेश्चन नंबर 88 इज टाटा IPL 2022 किस फ्रेंचाइजी ने जीता है? विच फ्रेंचाइजी हैज वॉन द टाइटल IPL 2022? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात टाइटन्स. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन चैंपियन बना है टाटा IPL 2022 का? गुजरात टाइटन्स. ठीक है, तो चैंप यानी कि चैंप मतलब जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे ना रात में भी खेलने के लिए परेशान रहते हैं, तो रात यानी कि गुजरात टाइटन्स ने IPL 2022 का खिताब जीता है. सो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो ही IPL पे डाली है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें. बहुत ईजी वे में आपको IPL से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 89 इज अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लवलीना बोरगेन. ओके, सो लवलीना बोरगेन को एथलीट कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप. ओके, सो आपको इंटरनेशनल लेवल पे ना अगर बॉक्स में कोई भी प्राइज मिलेगा ना, तो उस प्राइज को देख को आपको खुशी मिलेगी, तो उस प्राइज को आप लव ही करोगे. तो लव यानी कि लवलीना बोरगेन. ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है. सो मे 3rd week एंड 4th week और टिल 31st May के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन को आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है. एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा. सो इसी वीडियो से आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कोर एज अ फाइटर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लर्न विद ट्रिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.